आज मैं आपको ताकत का भंडार एक ऐसी रेमेडी देने जा रही हूँ जिसको खाने के बाद अगर आप बिस्तर पे पड़े हुए हैं चल फिर नहीं पाते तो आपकी शक्ति इतनी ज़्यादा शक्ति और एनर्जी से भरपूर हो जाएगा आपका शरीर तो कि आप बिल्कुल दौड़ने लगेंगे। बस इसमें आपको एक ऐसी चीज़ मिला देनी है जिससे आपके जो कैल्शियम की मात्रा है वो पूरे शरीर की जो कमी है वो पूर्ति कर दे। तो देखिए इसमें जो चीज़ मिला रहे हैं उसको हम बोलते हैं सफ़ेद तिल। ये सफ़ेद तिल कैल्शियम का भंडार होता है। इसके साथ जो बादाम है उसमें ओमेगा फैटी एसिड पाए जाते हैं और साथ साथ जो हम उसमें यूज़ कर रहे हैं कैल्शियम का भरपूर मात्रा का स्रोत होता है, इसे बोलते हैं मखाना। ये तीनों चीज़ों से हम जो पाउडर बनाएंगे उससे अगर आपके कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, अर्थराइटिस की समस्या है, वात आपका डिस्टर्ब हो गया है, वात का संतुलन पूरी तरह से ख़राब हो जाने की वजह से आपके हाथों में, पैरों में, कमर में, इस तरह से जॉइंट्स में दर्द होते हैं क्योंकि वहाँ पे जॉइंट्स में जो जेल होता है, जो लिक्विड होती है वो धीरे धीरे बिल्कुल सूखने लगती है, वो घिस जाने की वजह से, उसमें लिक्विड के सूख जाने की वजह से आपके सारे जॉइंट्स में दर्द होता है। यही जॉइंट्स का जो दर्द होता है ये आगे चल के आपको यूरिक एसिड, अर्थराइटिस जैसी समस्या का शिकार बना देता है। तो आज ये आपको मैं रेमेडी बताने जा रही हूँ उससे आपकी जो ग्रीस घिस गई है, बहुत बरसों पुरानी आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, वो ग्रीस आपकी वापस आने लगेगी और आपकी जो घुटने हैं, आपके जॉइंट्स में जो पेन है वो पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएंगे। आप देखेंगे आपको ऐसा लगेगा चमत्कार कि हमारे शरीर में ऐसा क्या हो गया है कि हमें इतना ज़्यादा इसे असर मिल रहा है। बस आपको जिस तरह से बताया जाए उसकी मात्रा उस हिसाब से लेंगे और किस चीज़ के साथ आपको लेना है ये भी ध्यान से देखिए। फिर आप देखिए आपके शरीर में आपकी हड्डियाँ बिल्कुल फौलाद जैसी हो जाएंगी और आप बिस्तर पर पड़े हुए हैं तो बिल्कुल दौड़ने भागने लगेंगे। तो चलिए मैं बताती हूँ कि ये रेमेडी कैसे तैयार होगी। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि चैनल पे अगर नए हैं, पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन उसको दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जिससे कोई नई वीडियो आए तो आपके मोबाइल पर तुरंत ही नोटिफिकेशन आ जाए कि कोई नई वीडियो आई है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे तैयार होगा। ये है मखाना जिसे फॉक्स नट कहते हैं। ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, कैल्शियम का भंडार है, इसमें कैल्शियम, प्रोटीन, फाइबर रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। ये हमारे शरीर में किसी भी तरह की कमी है जिसकी वजह से हमें वीकनेस होता है वो पूरी कमी को ही पूर्ति करता है। साथ साथ इसमें कैल्शियम रिच क्वांटिटी में पाए जाने की वजह से हमारे जो जोड़ों के दर्द, हमें अर्थराइटिस की समस्या है, हमारे हड्डियों में जो पेन होता है, हाथों पैरों में जलन होता है, इन सारी समस्याओं को ये दूर करता है। बस इसके साथ हम दो इंग्रेडिएंट और ऐड करेंगे जिससे जो हमारा पाउडर है ये हमारी बॉडी के लिए बूस्टर बन जाए, यानी बॉडी बूस्टर का ये हमारा पाउडर बन के तैयार हो जाए। आपको जो मार्केट से रेडीमेड पाउडर लाते हैं जिससे कि आपको कैल्शियम मिले, प्रोटीन मिले, मिनरल्स मिले, आप सारी चीज़ भूल जाएंगे इस रेमेडी के बाद। अगर आपने इसे लगातार एक महीने सेवन कर लिया तो आप देखेंगे आपको 100% आपके हड्डियों से, जोड़ों से दर्द की समस्या पूरी तरह से दूर हो जाएगी। साथ साथ आपके शरीर में किसी भी तरह से अगर आपको कमी कमजोरी महसूस होती है तो वो भी दूर हो जाएगी। ये देखिए है सिसमे सीड जिसे हम तिल कहते हैं, सफ़ेद वाली जो तिल है आप इसको इसमें यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी चीज़ है ये तिल। तिल हमारे हड्डियों को एकदम मजबूती देता है और ये आपके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। तो देखिए इस तरह सफ़ेद तिल आपको ले लेना है और अगर ये सफ़ेद तिल आपका देखिए इस तरह से बहुत फाइन वाला भी आता है, एक मीडियम में आता है, तो आप सफ़ेद तिल जो ये पतली वाली होती है इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बड़ी वाली तिल भी मिले तो आप उसे भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सिसमे तिल बहुत इफ़ेक्टिव होता है, दर्दनाशक होता है, हड्डियों के लिए तो रामबाण औषधि से कम नहीं है। तो इस तरह से हम लेंगे सफ़ेद तिल और इसके साथ ऐड करेंगे बादाम। बादाम में भी ओमेगा फैटी एसिड होता है, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है हमारे शरीर की कमियों को दूर करने के लिए, कमजोरी को दूर करता है, हमारे दिमाग के थकान को दूर करता है, शरीर के हड्डियों को मजबूत करता है। तो इसके साथ साथ हम ये दोनों इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे मखाने के साथ और फिर देखिए किस तरह से हमें इसका पाउडर बना के तैयार करना है। अगर ये सॉफ्ट हो गए हैं, अगर आपके क्रिस्पी हैं तो आप इसे डायरेक्ट पीस लीजिए। अगर ये सॉफ्ट आपको लग रहे हैं तो हल्का सा आप तवे पे रखिए, ड्राई रोस्ट कर दीजिए सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए जिससे क्रिस्पी हो जाएं ये आपके तिल और ये मखाने। उसके बाद आप इसको पीस के पाउडर बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हम बादाम भी डाल रहे हैं, बादाम आप इसमें 8 से 10 बादाम डालिए। जिस तरह से हम क्वांटिटी लिए मखाने की उस तरह से आप उसमें बादाम भी ऐड कर रहे हैं, इसी के हिसाब से हम यहाँ पे 5 से 6 चम्मच सफ़ेद तिल भी डाल देंगे। अगर आप इसे ज़्यादा मात्रा में एक साथ स्टोर करके बनाना चाहते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप डबल कर दीजिए। यहाँ पे 30 ग्राम के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं
तो 30 ग्राम यहाँ पे हमने ले लिया मखाना और इसमें 6 चम्मच डाल दे रहे तिल और यहाँ पे 8 से 10 बादाम ऐड कर दिए। इसको पीस के हम फाइन सा पाउडर बना के तैयार करते हैं। इस पाउडर को अगर आप सुबह शाम लेंगे बताए के अनुसार तो आपको गारंटी है 100% है, ये एक महीना लगातार आप इसका सेवन करेंगे तो आपके शरीर में बहुत ही चमत्कारिक आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके शरीर में इतनी स्फूर्ति इतनी ताजगी आ जाएगी कि आप खुद ही सरप्राइज हो जाएंगे। तो देखिए पाउडर इस तरह से आपको बना के रख लेना, आप इसे ज़्यादा मात्रा में भी इकट्ठा बना के रख सकते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह से पाउडर बना के आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में इसे लंबे टाइम के लिए रख लीजिए, महीने भर के लिए, और एक महीने एक बार बनाइए और लगातार इसका यूज़ करिए। इसको आप यूज़ करेंगे तो बाहर से जो आप टॉनिक लाते हैं एक्स्ट्रा, कोई भी आपको पाउडर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही पाउडर आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा, आपकी सारी बीमारियों को दूर करेगा। ये आपकी कमजोरी को दूर करता है, साथ साथ ये हाथों पैरों में जलन को दूर करता है, हार्ट के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है, ब्लड प्रेशर के पेशेंटों के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है, ये उनके बीपी को नॉर्मल करता है। नींद की समस्या अगर आपको आती है, रात में नींद नहीं आती है, तो आप इस पाउडर को लेके सोइए। कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, प्रेगनेंसी में कई सारी समस्याओं को दूर करता है, और ये मोटापा के लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव सा ट्रीटमेंट है। चेहरे पे झाइयाँ हैं, पिंपल्स हैं, तो उसके लिए भी बहुत इफ़ेक्टिव सी चीज़ है। तो देखिए आपको एक गिलास गुनगुना दूध ले लेना है, आपको इसमें 3 से 4 चम्मच एक टाइम पे आप ये पाउडर यूज़ करिए। एक दिन में आपको 30 ग्राम की मात्रा यूज़ करनी होती है, यानी आप एक समय पे 10 से 15 ग्राम आप मखाने का पाउडर, ये जो पूरी पाउडर है आप यूज़ करिए, यानी एक टाइम पे आप 3 से 4 चम्मच पाउडर एक बार में यूज़ करेंगे, और दूसरे टाइम पे शाम के टाइम पे भी आप 3 से 4 चम्मच यूज़ करिए। तो यहाँ पे देखिए इसको हम ऐड कर दिए हैं। अब इसमें स्वाद के अनुसार आप इसमें मिश्री पाउडर ऐड कर लीजिए या फिर शहद ऐड करके आप इसे पीजिए। इसको आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद रात में लेना चाहिए, और सुबह के टाइम पे आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उस टाइम पे आप एक गिलास इस तरह से या दूध ज़रूर बना के पीजिए। ब्रेकफास्ट में आप इसको ब्रेकफास्ट के साथ इसके करने की आदत डाल लीजिए। आप देखिए दोनों टाइम पर इस तरह से लेंगे, आपको बहुत ही बढ़िया से इसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। बस एक महीने करके देखिए और फिर आप कमेंट सेक्शन में आप खुद ही बताएंगे कि आपके अंदर की कितनी सारी वीकनेस, कितनी सारी कमजोरियां आपकी दूर हो गई, और ये आपके जो वात रोग डिस्टर्ब हुआ जिसकी वजह से आपके हड्डियों में जॉइंट्स में पेन होता है, ये पूरा 100% आपकी ठीक हो जाएगी। बहुत ही ताकतवर ड्रिंक ये बन के तैयार हो गया है। तो बस ये तीनों चीज़ों को मिलाइए और अपनी हेल्दी सी ये ड्रिंक बना के आप दोनों टाइम पर लीजिए। आप इसको अपनी खीर अगर बनाते हैं तो खीर में भी इसकी 4 से 5 चम्मच डाल दिया करिए, आपका खीर भी बहुत ही हेल्दी हो जाएगा। मखाने की खीर आप बनाइए, मखाने की खीर में आप इस तरह से बादाम और तिल को पीस के डालिए, बहुत इफेक्टिव से बन जाता है। तो आप इन तीनों चीज़ों का पाउडर बना के इस तरह से आप ड्रिंक बनाइए और उसे पीजिए, इंजॉय करिए। आशा है अगर आप इसे जिस तरह बताया गया इस तरह से करेंगे तो आपको इसका 100% रिजल्ट मिलेगा। इसको पीने के बाद आपके जो कमर में दर्द बनी रहती है, बरसों पुरानी जो लोग खाट पे पड़े हुए हैं कितने घुटनों के दर्द से, उनके दर्द पूरी तरह से दूर हो जाएंगे। और जहाँ भी घुटनों पे दर्द है, कमर में दर्द है, वहाँ पे आप जैतून का तेल या नारियल का तेल हल्का सा गुनगुना करके साथ साथ मालिश किया करिए, तो आपको बहुत जल्दी इससे रिजल्ट मिलेगा। फिर आप देखेंगे जो आपके घुटने इतने सालों से इतने परेशान हैं दर्द की वजह से, उसमें जो जेल हमारा जो लिक्विड होता सूख जाता है वो वापस आने लगेगा, और धीरे धीरे आपकी अर्थराइटिस की समस्या पूरी तरह से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आजकल तो बड़ों को है ही अर्थराइटिस, छोटे बच्चों को भी, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनके भी कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, ये सारी दर्द की समस्या है। तो अपने बच्चों को बाहरी ड्रिंक देने से अच्छा ये होम मेड ड्रिंक आप बना के दीजिए, बहुत ही हेल्दी है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको पीने से बच्चे और स्ट्रांग होंगे, उनकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, याददाश्त इससे बढ़ती है, और ये जो हमारे दर्द की समस्या है यानी हमारी जो घुटने हैं, जॉइंट्स हैं जिनमें दर्द उत्पन्न होता है, ये सारी समस्याएं आपका दूर करेगा और आपके हड्डियों को बिल्कुल मजबूत बनाएगा, फौलाद जैसा बनाएगा, जिससे आपके हड्डियों से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो अगर कोई स्टोन के पेशेंट है जिनको पथरी होती है या पथरी की शिकायत है, तो वो लोग इसको डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए हुए ना लें, क्योंकि जो मखाना होता है इसमें रिच क्वांटिटी में कैल्शियम पाया जाता है, जिससे स्टोन के जो पेशेंट होते हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लें, क्योंकि मखाने का सेवन जो आप करेंगे, अगर आपको स्टोन की समस्या नहीं है तो आप बेहिचक आराम से इसको करिए दोनों टाइम पे, आपकी बॉडी बिल्कुल हेल्दी हो जाएगी, अगर आप बिल्कुल दौड़ने फिटने लगेंगे और बिल्कुल आपकी बॉडी फिट हो जाएगी। तो आप इस तरह से स्ट्रिंग को बनाइए और दोनों टाइम पे आप इस तरह से लिया करिए, आप देखेंगे आपकी समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। अगर आप दूध से नहीं लेना चाहते हैं तो आप पानी से, गुनगुने पानी से पाउडर डाल के आप लिया करिए, दोनों तरह से आप ले सकते हैं, गुनगुने पानी से या फिर गुनगुने दूध से।
तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।